बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अगर आपको एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की जानिब से इमदाद नहीं मिली, आपको नाअहल कर दिया गया था और आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी नाअहल किया गया है और आपको अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी इमदाद नहीं मिली, तो नाज़रीन ऐसे तमाम गरीब लोगों के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नए प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। अगर आप उन प्रोग्राम में इमदाद ले भी चुके हैं तो भी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करके इससे भी इमदाद हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अप्लाई करके हर माह आप 2000 की इमदाद हासिल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप इस प्रोग्राम में भी अप्लाई करेंगे और आपको हर महीने 2000 की इमदाद दी जाएगी। इस प्रोग्राम के साथ इसका नया कोड भी मुतारिफ कराया गया है जो कि आपको आगे चल के मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाले हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात का ऐलान किया है कि अब तमाम गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा और हर आने वाले दिन ही कोई नया प्रोग्राम जो है लॉन्च किया जाता है। तो पहले जब आपने देखा होगा कि आप 8171 पे मैसेज करते थे तो आपकी एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन होती थी और उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी शुरू कर दिया गया। अब उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आप 8171 के ज़रिए नहीं कर सकते, अब आप 786 पे मैसेज करेंगे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, तो तभी आपकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन होगी। और बिल्कुल इसी तरह से एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया, इसके साथ इसका कोड भी मुतारिफ कराया गया है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको हर माह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह से आपको हर माह 2000 की इमदाद दी जाएगी। अगर आपको उन प्रोग्राम में इमदाद मिल रही है तो वो भी मिलती रहेगी और इस प्रोग्राम में अगर आप अहल हो जाएंगे तो आपको इस प्रोग्राम से भी मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा के आल पे क्लिक कर दें। तो नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और उसके बाद एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम या एहसास राशन रियायत प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है इसमें कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता था और उसको इमदाद दी जाती थी, लेकिन यह है कि वो गरीब होना चाहिए तो तभी उसको इमदाद दी जाती थी। लेकिन ये जो प्रोग्राम है, ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसमें कुछ मखसूस किस्म के अफराद हैं, उन्हीं को ही इसमें इमदाद दी जाएगी। जैसे कि माजूर अफराद जो हैं वो किस तरह से आपने अप्लाई किस तरह से करना है, तो उसके लिए जो है 8123 एक कोड है, उस पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो सेंड करना है और आपकी इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अगर आप इस प्रोग्राम में पैसे लेने के वाकई अहल होंगे तो आपको बहुत जल्द मैसेज भी कर दिया जाएगा और आपको इस प्रोग्राम से इमदाद भी दी जाएगी। और अगर आपके इलाके में कोई करीबी मजूर अफराद हैं तो आपने उनकी रजिस्ट्रेशन भी कर देनी है ताकि उनको इस प्रोग्राम की जानिब से इमदाद दी जा सके। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।